नाइन्थ क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। आज इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की। जी हाँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अगर कोई भी एक्सप्रेशन अपने आप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में अगर रहे तो इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और इस टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं आज बेसिकली हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हुए उस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसके लिए वो है 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। इसे हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले बात हमने की कि हम जो है आज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का जो ओरिजिनल बेसिक फॉर्म होता है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम अपने इस गिवन एक्सप्रेशन के कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं। चीजों को समझने के लिए पहले इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या होती हैं। हम अगर अपने इस गिवन एक्सप्रेशन का कंपैरिजन इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से करें तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 आ रही है, b की वैल्यू 5 आ रही है और c की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 3 आ रही है। हमें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंपैरिजन उसके ओरिजिनल फॉर्म से करके सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। ए बी और सी की वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी रह सकती है। ध्यान रहे आप उसको उसके साइन के साथ मेंशन करें। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये कि आप अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ए को बी को और सी को अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि आपका ए बी और सी क्या है। इसके बाद आप ए इंटू सी फाइंड आउट करिए। ए इंटू सी फाइंड आउट करने के बाद जैसे हमारे पास ए की वैल्यू जो है 4 रूट अंडर 3 है और सी की वैल्यू जो है माइनस 2 अंडर रूट 3 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये हमारे पास आ गया 8 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 24। ए मल्टीप्लाइड बाय सी की जो भी वैल्यू आती है इसे हमें फैक्टराइज करना रहता है। फैक्टराइज में केवल हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसके साइन को हम फैक्टराइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। हमें फैक्टराइज करना है 24 को हमने फैक्टराइज किया 2, 2, 2, 3 ये इसके फैक्टर्स आए। अब हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स p और q इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें तो ये वैल्यू हमारे b के इक्वल आनी चाहिए और अगर हमने इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किया यानी p इंटू क्यू किया तो ये हमारा a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। और ये p और q हम लाएंगे कहां से? ये p और q जो है हमने जो ये फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे इन्हीं फैक्टर्स में से हमें ढूंढ के लाने हैं। जो हमने ये फैक्टर्स फाइंड आउट किए इन्हीं फैक्टर्स में से उस p और q को ढूंढ कर लाने हैं। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए हम जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लेने वाले हैं उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में जो रूट का साइन है ये रूट के साइन दो जगह हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में जो रूट के साइन होते हैं वो हमारे स्टार्टिंग वाले वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू में होता है और जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है उसमें जो रूट होता है ये रूट बीच वाले मिडिल टर्म पे रहता है। मैंने जो बात कही इसमें हमने इस टाइप के डिस्कशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में
जो रूट का साइन है वो स्टार्टिंग के टर्म और एंड के टर्म में रहेगा, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में जो रूट रहेगा वो हमारे मिडिल टर्म में रहता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले रूट का अगर केस है तो रूट जो है किस नंबर पर है आप उसे ध्यान से समझिए। आपका रूट जो है वो 3 के ऊपर है, तो ये 3 जो है आपके इस फैक्टर में कहीं ना कहीं पर आना चाहिए। ये 3 जो है आपके इस फैक्टर में कहीं ना कहीं पर रहना चाहिए। देखिए 3 आपके फैक्टर में है, बिल्कुल है, 3 जो है आपके उस फैक्टर में है। अब आइए, हम बात कर रहे थे कि हमें 2 नंबर्स P और Q इस तरह से चाहिए कि इन दोनों का सम B के इक्वल आए और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है A into C के इक्वल आए। यहां पर P और Q जो है हम इस फैक्टर्स में से डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि B की वैल्यू जो है आपकी 5 है। P और Q की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव रह सकती है या नेगेटिव रह सकती है, या दोनों के दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकती है। अब आपके मन में यह डाउट आएगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि P और Q की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। आप सबसे पहले A इंटू C के साइन को देखिए। A इंटू C करने पर जो हमारा साइन रहेगा, इस साइन से हमें बहुत हद तक यह समझ में आने लगता है कि हमारा P और Q का जो साइन होने वाला है वो क्या है। अगर A इंटू C का साइन नेगेटिव है तब P और Q में से कोई भी एक नेगेटिव जरूर रहेगा। अगर हमारा A इंटू C नेगेटिव है तो P और Q में से कोई एक नेगेटिव जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर हमारा A इंटू C पॉजिटिव है तब इस केस में P और Q या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या P और Q दोनों नेगेटिव होंगे। या तो P और Q दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या P और Q दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अब आइए यहां पर हम देखते हैं, हमारा A इंटू C का साइन जो है वो नेगेटिव है। A इंटू C का साइन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि हमारा P और Q में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव जरूर होगा। यहां पर जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स में अगर हमने इस 3 फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू हमें 8 मिलेगी, और ये जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो है हमारा 3। अब चूंकि हमने अभी अभी बात किया था कि A मल्टीप्लाइड बाई C का साइन अगर नेगेटिव होता है तब P और Q दोनों में से किसी एक को नेगेटिव रखना होता है, तो यहां पर हम नेगेटिव जो है Q को ले लेते हैं, यानी Q की वैल्यू हमने -3 रखी। अगर Q की वैल्यू हमने -3 रखी और P की वैल्यू 8 रखी, जरा सॉल्व करके देखिए, 8 + -3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सॉल्व होकर 5 आएगा, और ये 5 और कुछ नहीं हमारे B की वैल्यू है। ये P और Q को आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, P और Q को अगर आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका फाइनल आंसर -24 आ रहा है, जो कि A मल्टीप्लाइड बाई C के इक्वल भी है। हमने दो ही कंडीशंस देखी थी, दो ही कंडीशंस रखी थी P और Q की वैल्यू के लिए। पहला कंडीशन कि P और Q दोनों को ऐड करने पर हमें B के इक्वल आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन P को Q के साथ मल्टीप्लाई करने पर A मल्टीप्लाइड बाई C का जो भी वैल्यू आया है जिस साइन के साथ आया है हमें वही वैल्यू उसी साइन के साथ मिलनी चाहिए। अब यहां पर एक छोटे से डिस्कशन से हमें P और Q ये दो क्वांटिटीज पता चल गई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसके मिडिल वाले टर्म को दो सेपरेट टर्म्स में ब्रेक करने वाले रहते हैं, और ये दोनों टर्म्स जो हैं और कुछ नहीं हमारे वो P और Q होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन वापस लिखा, 4√3x² + 5x - 2√3। हमने P और Q जो दो वैल्यूज निकाली थी वो 8 और -3 है,
तो हम यहाँ पर 4 रूट अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x और ये माइनस 2 रूट अंडर 3। हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म 5x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये दो पार्ट हम कहां से लेकर आए थे, ये दो पार्ट हमने p और q जो बनाया था वो हमने यहां से बनाया था। अब यहां से बस हमें कॉमन लेना है। अगर हम स्टार्टिंग के इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो यहां से हम 4x को कॉमन ले सकते हैं। 4x को कॉमन लेने पर हमारे पास यहां से रूट अंडर 3x प्लस 2 बचेगा। यहां से 4x कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में रूट अंडर 3x प्लस का 2 बचेगा। देखिए चीजें कितनी सिंपल है, इतनी सिंपल है। फर्स्ट ब्रैकेट जो आपका बन गया, इसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए। थोड़े से स्पेस देने के बाद एकदम आंख बंद करके आप वही चीज दोबारा लिख दीजिए। जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट बना है सेम सेकंड ब्रैकेट भी रहेगा। अब जरा सोचिए यहां पर आप क्या लिखें, यहां पर आप कौन सी ऐसी क्वांटिटी लिखें जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3x आ जाए। ऐसा आप क्या लिखने वाले हैं यहां पर जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3x आए, तो आपका जवाब आएगा माइनस रूट अंडर 3। अगर आपने माइनस रूट अंडर 3 यहां लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इस माइनस रूट 3 का जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 3x आएगा। माइनस का रूट 3 जो प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा। सारा मेहनत सिर्फ इस फर्स्ट ब्रैकेट तक ही रहता है। जो एक बार ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गया, हम थोड़ा सा स्पेस देकर बाद में उसी को रिपीट करते हैं। यहां से रूट 3x प्लस 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया रूट 3x प्लस 2, तो हमारे पास ब्रैकेट में 4x माइनस का रूट 3 बचेगा। और ध्यान से देखिए आपका जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने आप में फैक्टराइज हो गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब क्या था, क्या देखा था हमने फैक्टराइजेशन में? फैक्टराइजेशन में हमने बस यही देखा था कि जो भी टर्म्स हमारे प्लस या माइनस के साथ एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं उसे ब्रैकेट्स के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करें। ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा इसी तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर 3x माइनस का 30। चूंकि चीजों को आप थोड़ा बहुत समझे हैं, समझने के बाद चलिए फटाक से देखते हैं क्या हम इसमें a की, b की और c की वैल्यू देख पा रहे हैं। हम अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किससे कंपेयर करते हैं? हम अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हम उसमें ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो हमारे लिए ए है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमारा यहां पर 1 है। बी जो होता है एक्स का कोफिशियंट होता है, एक्स का कोफिशियंट हमारा 3 अंडर रूट 3 है। और सी जो है हमारे पास माइनस का 30 है। अब यहां पर थोड़ी सी चीज आपको और समझनी है। हमने अभी अभी बात किया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसमें हम दो टाइप्स के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में जो रूट रहते हैं वो हमारे स्टार्टिंग के और एंड वाले टर्म्स पे रहते हैं, जबकि सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें रूट जो है मिडिल टर्म पे रहता है। जितनी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैसे हैं उस टाइप के हैं जिनमें रूट जो है आपका स्टार्टिंग में और एंडिंग में रहे, उसे हम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उस मेथड से सॉल्व करेंगे। जबकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें रूट मिडिल टर्म पे रहे
उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक हमारा प्रोसेस तो वही रहता है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? हम सबसे पहले a इंटू सी करते थे, यहां पर भी हम सबसे पहले a इंटू सी फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -30 है, तो a इंटू सी करने पर हमारे पास माइनस का 30 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था, a मल्टीप्लाइड बाई c करने से जो भी वैल्यू आई थी उसको हमने फैक्टराइज किया था। साइन को नहीं कंसिडर करना है फैक्टराइज करते समय, तो हम फैक्टराइज करने वाले हैं 30 को। 30 को फैक्टराइज करने के लिए 3 से डिवाइड किया, फिर यहां 2 से, तो फैक्टर्स आ गए 3, 2 और 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आपका स्क्वायर रूट मिडिल वाले टर्म पर है, मिडिल टर्म में अगर आपका स्क्वायर रूट है तो मिडिल में जिस नंबर पर स्क्वायर रूट होना चाहिए वो नंबर इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं आपको नजर आना चाहिए। जिस नंबर पर स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं आना चाहिए। देखिए वो हमारे पास यहां पर है और हमें बस एक छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज ये करना है कि इस 3 को हम रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 में कन्वर्ट कर दें। जिस नंबर पर स्क्वायर रूट है वो नंबर हमारे फैक्टर में कहीं ना कहीं आना चाहिए और हम उस नंबर को स्क्वायर रूट के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। बाकी हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास एज इट इज रहेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं ये बाकियों में हमको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। वापस से हमारा वही है, हमें दो चीजें चाहिए, पी और क्यू। हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। P और Q हमारे कैसे होने चाहिए? P और Q हमारा ऐसा होना चाहिए कि दोनों को अगर ऐड करें B के इक्वल आए और P मल्टीप्लाइड बाय Q करें तो A मल्टीप्लाइड बाय C करने से जो भी हमारा आया था वो उसके इक्वल आना चाहिए। अब यहां से ये रूट थ्री और रूट थ्री जो दो हिस्से हमने बनाए हैं ये दोनों हिस्से पी और क्यू दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए आपका b जो है 3 रूट अंडर 3 है, 3 रूट अंडर 3। दूसरा चीज a इंटू c की वैल्यू अगर नेगेटिव है, a इंटू c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका कंक्लूजन ये था कि हमारा p और q जो दो पार्ट्स होने वाला है, दो फैक्टर होने वाले हैं, उसमें एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर p और q में ये रूट थ्री जो है हम 2 के साथ लगा देते हैं और ये रूट थ्री जो है 5 के साथ लगा देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ बनेगा 5 रूट अंडर 3 और ये बनेगा 2 रूट अंडर 3 और इसमें भी q को हम नेगेटिव ले लेते हैं। अगर हमने q को नेगेटिव ले लिया तब p और q को आप ऐड करके देखिए 5 रूट 3 प्लस ब्रैकेट में -2 रूट 3 सॉल्व करेंगे 3 रूट 3 आएगा और ये 3 रूट 3 और कुछ नहीं हमारे b की वैल्यू के इक्वल है। और अगर आपने 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से आपका माइनस का 30 आ रहा है। हमने p और q जब दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया तब हमारा जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन्हीं दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर 3x माइनस का 30, ये हमारा वैसे ही था। हम हमेशा मिडिल टर्म को दो हिस्सों में बांट देते हैं। मिडिल टर्म हमारा 3 रूट 3x था, इसे हमने एक्स स्क्वायर, ये 3 रूट 3x को हमने जो दो हिस्से बांटे थे उसमें p और q थे, तो हमारा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, यहां अगर x है तो साथ में x रहेगा, माइनस 2 रूट 3 इसमें भी x रहेगा और ये हमारा माइनस का 30 जो है एज इट इज है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम केवल मिडिल पार्ट को ही स्प्लिट करने वाले हैं और मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर देने के बाद बारी आती है कॉमन लेने की। कॉमन लेने के लिए करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से स्टार्टिंग के इन दोनों टर्म्स को देखिए, इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं। इन दोनों में से तो हम सिर्फ यहाँ पर x ही कॉमन ले पाएंगे। अगर x कॉमन ले पाएंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 रूट 3 हमारे पास बचेगा।
कॉमन ले लेने के बाद जो भी आपके पास ब्रैकेट में बचा, आपने थोड़ा सा स्पेस यहां छोड़ना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद यहां पर सेम यही चीज आपको रिपीट कर देनी है। एक्स प्लस फाइव रूट थ्री हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में था, एक्स प्लस फाइव रूट थ्री हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में भी वैसे ही रखना है। और यहां पर अब आप सोचिए, यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं, कौन सी ऐसी क्वांटिटी आप यहां पर लिखेंगे जिसका इस x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस टू रूट थ्री एक्स आए। सोचिए कितना सिंपल है, माइनस टू रूट थ्री, माइनस टू रूट थ्री। अब सोचिए माइनस टू रूट थ्री का जब x के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास माइनस टू रूट थ्री एक्स आएगा। माइनस टू रूट थ्री का जब फाइव रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का थर्टी आ रहा है। अब यहां से ये x प्लस फाइव रूट थ्री जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। हमने यहां से x प्लस फाइव रूट थ्री को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में x माइनस टू रूट थ्री बचा। अब ध्यान से देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गए, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हैं। फैक्टराइजेशन में हम यही तो करते थे, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के टर्म्स के साथ एक दूसरे से एसोसिएटेड रहता था उसे हम फाइनली ब्रैकेट्स के फॉर्म में या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यही होता है फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया जिसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कंसीडर किए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रूट वाले टर्म्स जो थे स्टार्टिंग और एंडिंग वाले में थे, जबकि सेकंड टाइप में जो हमारा रूट है वो मिडिल टर्म में था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, हमें फैक्टराइज करना है 2x plus y का होल स्क्वायर माइनस 9x plus y माइनस का 5। चीजें कई बार इतनी सिंपल नहीं रहती जितनी हमें वो दिखती हैं, लेकिन हम उनसे बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हैं। बस अगर हम अपने देखने के नजरिए को थोड़ा सा चेंज करें, अपने देखने के नजरिए को थोड़ा सा चेंज करके हम किसी भी चीज को कितने सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं उसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फील आने लगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमने बात किया था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। ये कुछ इसी तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फील दे रहा है। डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इस तरह से देखिए, यहां पर हमारे पास x प्लस वाई है तो यहां पर भी ब्रैकेट में देखिए x प्लस वाई है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूं, छोटा सा चेंज क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 9x प्लस वाई माइनस फाइव, हम यहां पर लेट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई को हमने टी लेट कर लिया। एक्स प्लस वाई को हमने जैसे ही टी लेट किया, जहां जहां पर हमारे पास एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है हम उसकी जगह पर टी लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टू टी स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है आपके इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जैसा कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और एक बार अगर आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे फैक्टराइज करने का मेथड तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। आप सबसे पहले अपने गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंपैरिजन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से करके ए बी और सी की वैल्यू पता करिए। ए बी और सी की वैल्यू देखिए कितनी है, ये यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू माइनस का 9 है और सी की वैल्यू माइनस की 5 है। आपके मन में अगर ये आ रहा हो कि साहब यहां तो एक्स स्क्वायर और एक्स है और यहां पर टी स्क्वायर और टी है, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल्स
चेंज हो सकते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है वो टी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ सकता है या वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन बेसिक वही है। जो बेसिक फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक का हमेशा यही रहता है। हमें ए बी और सी की वैल्यू के बाद ए और सी को मल्टीप्लाई करना था। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाइड बाय सी करने पर हमारे पास माइनस का 10 आ रहा है। सबसे पहली चीज, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव आने पर आप कंफर्म रहिए पी और क्यू जो आपके दो पार्ट्स थे उन दो पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को आपको नेगेटिव रखना होगा। अगला चीज, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो आया है उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर हमें 2 और 5 ये दो पार्ट्स मिले। हमें फैक्टराइज करने पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट मिले। अब हमें अपना पी और क्यू जो है वो तो इस तरह से लेना था कि इन दोनों को ऐड करने पर बी के इक्वल आए। पी और क्यू हमें दो क्वांटिटीज ऐसी चाहिए थी जिसे ऐड करने पर बी के इक्वल आए। बी हमारा -9 है, बी हमारा -9 है और यहां पर जो हमारे दो फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर्स हैं, वो 2 और 5 हैं। कैसे भी करके, कुछ भी करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 9 नहीं पहुंच पा रहा है, 9 तो आ ही नहीं रहा है। अब अगर a इंटू c के वैल्यू को फैक्टराइज करने के बाद आपको p और q नहीं मिल पाए तो जरा इसके फैक्टर का एक और तरीका देखिए। आपका a इंटू c से जो नंबर आया था वो था 10 और 10 का फैक्टर 10 × 1 हो सकता है, 10 × 1 उसका एक फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर हम 10 के फैक्टर को 10 और 1 की तरह देख रहे हैं। अब बात तो हमने यहां तक की थी कि a इंटू c करने पर अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो p और q के दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना पक्का रहता है, तो क्यों ना इस 10 को हम नेगेटिव बना दें। अब p की वैल्यू अगर हम -10 ले लें और q की वैल्यू 1 ले लें, तब अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, p और q को जब आप ऐड करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा और इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका माइनस का 10 तो आ ही रहा है। तो आप इस चीज को भी ध्यान से समझिए, अगर a इंटू c करने से जो आपके पास नंबर आया है उसको फैक्टराइज करने से जो फैक्टर्स बनते हैं, अगर उन फैक्टर से हम p और q की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो a इंटू c का जो भी आपका नंबर है उसको 1 के साथ एक फैक्टर बनाकर एक बार इस केस को भी कंसीडर करके देख लीजिएगा। या तो a इंटू c का जो नंबर आता है उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो इस टाइप के फैक्टर्स बनते हैं या सेकेंडली इस टाइप के फैक्टर बनते हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर हमारा p और q डिसाइड करता है। तो यहां पर हमने p और q की वैल्यू -10 और 1 ये दो चीजें फाइंड आउट कर ली। अब इसे बस यहां पर पुट कर देते हैं, 2t2। ये जो हमारा मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म की जगह पर माइनस का 10t और प्लस 1t, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया और ये हमारा माइनस का 5 एज इट इज है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस अब आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए यहां से हमने 2t को कॉमन लिया, 2t को कॉमन लेते हैं, यहां पर t माइनस का 5 आया, जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट बन जाता है। थोड़ा सा स्पेस देकर यहां पर t माइनस 5 लिख लीजिए। अब जरा सोचिए आप यहां पर कौन सी ऐसी वैल्यू लिखने वाले हैं जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको ये टर्म मिल जाए। आपका आंसर होगा प्लस का 1। साइन लगाना मत भूलिएगा, केवल 1 लिखने से नहीं होगा, प्लस का 1। प्लस 1 से जब आप t माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा। यहां के बाद इस t माइनस 5 को हमें कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास बचेगा 2t प्लस का 1। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? जी नहीं, ये फाइनल आंसर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने
पी जो है किसी को सब्स्टिट्यूट किया था, किसी को लेट किया था। ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आपका एक्स और वाई है तो आपके फाइनल आंसर में भी एक्स और वाई कहीं ना कहीं पर रहना चाहिए। तो आइए जहां जहां आपने टी लिखा है उस टी को आप रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस वाई से। तो यहां पर टी को जब आप रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाई से तो यह आएगा एक्स प्लस वाई माइनस का फाइव। यहां पर टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस का वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका बन गया x प्लस वाई माइनस फाइव और ये 2x प्लस 2y प्लस का 1 और ये बन गया आपका फैक्टर। और इस तरह से आपने अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होने वाले एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके उसे फैक्टराइज किया।